अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे से क्लास 8 की जिसका यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 है, पार्ट सी करेंगे ऑल क्वेश्चंस। तो इसके 15 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैं इसके पार्ट ए पार्ट बी कर चुका हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा, और 3.1 3.2 भी कर चुका हूँ, लिंक मैं सबका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लें। तो पार्ट सी हमसे क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर्स इन टू डेसीमल नंबर्स। ये ऑक्टल नंबर जो बेस 8 होता है, जिस तरह ये बेस 8 दिया गया है, तो इनको हमने डेसीमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा ये देखें, ये 4 जिस तरह पहले पार्ट्स किए उसको आप देखिएगा, अब यहाँ पे 8 आएगा एंड फिर प्लस देंगे, फिर 7 मल्टीप्लाई ये देंगे 8। तो यहाँ से पावर्स लगाना शुरू कर देंगे 0 और ये आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ये 8 एंड प्लस 7 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1, क्योंकि किसी के ऊपर पावर 0 आ जाए तो 1 होता है। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 32 एंड प्लस ये हो जाएगा 7, 7 और ये जमा करें तो ये हो जाएगा 39। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर देखते भी जाते हैं तो बिल्कुल सही है, 39। इस पर आ जाएँ तो ये 1 मल्टीप्लाई ये 8 हो जाएगा एंड प्लस ये 6 मल्टीप्लाई ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से पावर 0 और यहाँ पे 1 देंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई ये 8 का 8 होगा एंड प्लस ये 6 एंड मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1। तो ये 1 8 द 8 हो जाएगा एंड प्लस 1 6 द 6 हो जाएगा। तो इन दोनों को जमा करें तो ये हो जाएगा 14। तो बिल्कुल सही आंसर आया है हमारा। थ्री नंबर है ये पार्टी और फिर बेस 8 लगा हुआ है इसके साथ, तो तरीका वही रहेगा, यानी 4 मल्टीप्लाई ये 8 एंड प्लस ये 0 है मल्टीप्लाई ये 8, पावर देंगे 0 और यहाँ पे 1 देंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ये 8। तो यहाँ पे प्लस 0 को मल्टीप्लाई करें तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, 0 दे दो तो ये हो जाएगा 4 8 द 32। तो ये हमारा आंसर आ गया, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। तो ये इसको भी करते हैं, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई ये 8 एंड प्लस ये 0 मल्टीप्लाई 8, यहाँ से पावर दें 0 एंड 1 तो ये 6 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 8 एंड प्लस ये 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा ये 48। तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट आंसर आया है। इस पर आ जाएँ तो 7 मल्टीप्लाई ये 8 एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई ये 8, यहाँ से पावर दें 0 और ये 1 तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 8 एंड प्लस यहाँ पे आप 0 दें, क्योंकि 0 किसी से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 56। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है हमारा। अब इस पर आ जाएँ, ये 1 मल्टीप्लाई ये 8 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, यहाँ से पावर दें 0 1 एंड ये हो जाएगा 2। तो ये 1 मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर का मतलब होता है 8, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 तो ये हो जाएगा 64 एंड प्लस ये 2 एंड मल्टीप्लाई ये 8 प्लस ये 4 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1। तो 1 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो ये 64 होगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 हो गया एंड प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 होगा। तो 64 एंड 16 80 ये हो जाएगा 84। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बिल्कुल सही आया हमारा आंसर। यहाँ पे देखें 7 नंबर, ये उसी तरह होगा, 2 मल्टीप्लाई ये 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई 8, पावर्स देंगे 0 1 एंड ये 2 तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये 8 स्क्वायर का मतलब 64 प्लस 4 मल्टीप्लाई ये 8 एंड प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। तो 2 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो 128 हो जाएगा प्लस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 32 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा। तो सारों को जमा करेंगे
32 और ये हो जाएगा 60, तो 162 हमारा आंसर आएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है 162, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको कर लेते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, यहाँ से पावर लगाएंगे 0 1 एंड ये 2, तो ये जाएगा 3 मल्टीप्लाई ये जाएगा 64 प्लस, अब 0 है तो 0 का 0 होगा क्योंकि किसी से मल्टीप्लाई करें 0, 4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1, तो 3 4 द 12 हासिल 1, 3 6 द 18 एंड 1 100 ये 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा, तो ये प्लस 0 को छोड़ दें, 1 4 द 4 तो आ जाएगा 196, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया हमारा। 9 नंबर देखें, 4 मल्टीप्लाई ये 8 एंड प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई 8, पावर्स लगाएं 0 1 एंड ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 64 एंड प्लस 5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 8, एंड क्योंकि 0 आ गया मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो 4 4 द 16 हासिल 1, 4 6 द 24, 24 एंड 1 25, 256 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 40, तो दोनों को जमा करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 296, तो बिल्कुल सही आंसर आया हमारा। इस पे आ जाएं तो ये 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8, पावर्स दें 0 1 एंड 2, तो 7 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 64 एंड प्लस ये भी 0 हो गया प्लस ये भी 0 हो गया, 7 से मल्टीप्लाई 7 4 द 28 हासिल 2, 7 6 द 42, 42 एंड 2 44, 448 448 आया हमारा आंसर, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये भी हमारा। तो ये नंबर 11 देखें, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई ये 8 एंड प्लस ये 0 मल्टीप्लाई 8 फिर है 0 मल्टीप्लाई 8 एंड प्लस ये 6 मल्टीप्लाई 8, यहाँ से पावर दें 0 1 ये 2 एंड ये हो जाएगा 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई 8 पावर 3, तो 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8 तो ये हो जाएगा 64 और 64 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 द 32 हासिल 3, 6 8 द 48 एंड 3 51, 512 हो जाएगा, तो ये 512 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 है तो इसको हम 0 ही कर देंगे प्लस ये 0 का मल्टीप्लाई 0 एंड प्लस ये 6 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1, तो 3 से मल्टीप्लाई करें 3 2 द ये 6, 1 3 द 3 एंड 3 5 द ये हो जाएगा 15 एंड प्लस ये 0 0 को छोड़ दें तो 16 का 6 हो जाएगा, तो इसको हम जमा करें तो 1500 ये 42 होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है 1054, अब इसको करेंगे हम, तो यहाँ पे देखें 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ पे पावर्स लगाएंगे 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये 1 मल्टीप्लाई ये अभी हम करके आए हैं 512 हो रहा है, तीन मरतबा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 512 एंड प्लस ये 0 है, जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको भले आप 64 कर दें लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, प्लस ये 5 एंड मल्टीप्लाई ये 8 का 8 रहेगा एंड प्लस ये 4 और मल्टीप्लाई ये होगा 1, तो ये 1 को मल्टीप्लाई करें 512 से तो 512 प्लस 0 को छोड़ दें 5 8 था ये हो जाएगा 40 एंड प्लस 4, तो इनको जमा करें
तो ये 552 और 556, 556, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है हमारा। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बिल्कुल उसी तरह करेंगे, 6 × 8 प्लस ये 6 × 8, फिर अब है 0 × 8 प्लस ये 0 × 8, पावर्स लगाना शुरू करेंगे यहाँ से, 0 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया, तो ये 6 × 8³ अभी करके हैं 512 हो रहा है एंड प्लस ये 6 × ये हो जाएगा 64, क्योंकि 8 × 8 होगा, 8² का मतलब है 8 × 8 = 64 एंड प्लस अब ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और प्लस इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 6 को मल्टीप्लाई करें, 6² = 12 हासिल 1, 1 6 = 6, 6 and 1 7 एंड 5 6 ये हो जाएगा 30 एंड प्लस 6 को मल्टीप्लाई करें, 6 4 = 24 ये हासिल हुए 2, 6 6 = 36 एंड 2 38। अब इसको छोड़ दें तो इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं यहाँ से, ये देखें 384, ये हो गया 6, ये हो गया 15, हासिल 1, तो ये हो गया 4 एंड ये 3, तो ये हो गया 34, 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। 14 नंबर भी देख लें, सेम उसी तरीके से 4 × 8 प्लस 4 × 8 फिर प्लस है 0 × 8 प्लस है 5 × 8, पावर्स लगाना शुरू करें, 0 1 2 एंड ये 3, तो 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 × ये हो जाएगा 512 अभी करके आए हैं, प्लस ये 4 × ये हो जाएगा 64 एंड प्लस 0 है तो 0 का 0 रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 एंड 5 × 8 के पावर 0 है तो 1, तो 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 5 20 वैसे कर लेते हैं, ये होगा 8 2 4 8 1 4 4 एंड 5 4 8 20, 2048 प्लस 4 4 16 हासिल 1 एंड 4 6 24 ये हो जाएगा 25 एंड प्लस 0 को छोड़ दें 1 5 ये 5 हो जाएगा, तो इन सब को जमा करेंगे, इधर कर लेते हैं जमा, 256 फिर यहाँ पे 5, तो 14 14 एंड 5 19 हासिल 1 ये हो जाएगा 10 हासिल 1 ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 2 2 3 0 9 2 3 0 9, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है हमारा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस पार्ट का भी, तो यहाँ पे 5 × 8 फिर प्लस 0 × 8 फिर प्लस 4 × 8 फिर प्लस 3 × 8, यहाँ से पावर लगाने शुरू करेंगे, 0 1 2 एंड ये हो जाएगा 3, तो देखें 5 × ये 512 करके आए हैं, 8³ होगा तो 3 8 3 times मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 512 हो जाएगा, प्लस अब ये 0 है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ऐसे 64 करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस ये 4 × ये 8 एंड प्लस 3 × 8³ का मतलब होता है 1, तो मल्टीप्लाई करें तो 5 × 10 हासिल 1, 1 5 1 1 6 एंड 5 5 20 5
एंड प्लस जीरो को छोड़ दें, ये हो जाएगा 30, 2 हो जाएगा एंड प्लस ये हो जाएगा 3। अब इनको जमा कर देंगे यहाँ पे, और वैसे भी ये 2560 है और 32 जमा करें तो 92 हो जाएगा एंड 95, तो 2500 ये 95 2595 होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है हमारा। तो ये था पार्ट और ये एक्सरसाइज, ये हमने कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।